मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को हिट कीजिए, जिससे आपको मेरे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। ये है 13th February का वीडियो। दुबई में थे हम और आरव और कुकर से बस स्वाति ने आरव एंड ओगी से जस्ट पूछा कुछ मैरिज के बारे में, तो इन लोग ने पूरी फैमिली प्लानिंग कर ली, कितने बच्चे करेंगे, बच्चों की टेक केयर कौन करेगा, ये वो दुनिया भर के। तो आरव को 6 kids चाहिए, ओगी 2 में सेटिस्फाइड है और ओगी को बेबी सीटर चाहिए होगी जब वो मूवी के लिए जाएगा अपनी वाइफ के साथ। सो ये इनकी प्लानिंग। I'll give you some names. Miss Simon and Jones. Yes, Jones. You also want pav bhaji? And then dinner, I want a chicken because chicken is not. Okay, there you can eat. They can't be more. So you want pav bhaji? There, I don't think. What to do? Yes, I'll make. So where are you going now? I'm going to your house. Excited. Yeah, I remember they pushed me last time. Arav, I'll cut your hair today. No, do it six years. कम्युनिटी में जहाँ स्वाति लोग रहते हैं वहाँ पर एक और हमारे फ्रेंड रहते हैं, तो उन्हें भी सरप्राइज देने के लिए हम जा रहे हैं और जो आसपास थे उन्हीं से मिल पाए। और भी फ्रेंड्स हैं मेरे जो पुराने वो थे, उनसे मिलना पॉसिबल नहीं हो पाया। तो चलिए इनसे भी मिल लेते हैं, इनको भी सरप्राइज मिलने वाला है, इनको भी पता नहीं है कि हम आए हैं। तो ये वही फ्रेंड है जो हमारे घर आए थे नेशनल डे के वेकेशन के टाइम पे। So let's meet them. So के उठ गए कि अभी उठ रहे हो? यार मुझे एक्चुअली मेरी तबीयत खराब है, so you guys come, don't touch me, only I come the outside. एक कोविड तो नहीं है? घर पे जितने भी पैसे जेवरा से दे दो, एक दम लेकर आए। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे आप सब लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। और अभी हम जा रहे हैं बर दुबई, ओल्ड दुबई, आज आपको भी दिखाते हैं। और हम जा रहे हैं कुछ शॉपिंग करने के लिए, देखते हैं क्या मिलता है क्या नहीं मिलता। और चलिए चलते हैं। फाइनली 1 year के बाद मैं अपनी फेवरेट जगह जो दुबई की सबसे फेवरेट है बर दुबई, ओल्ड दुबई में पहुंच गई हूँ, क्योंकि यहाँ पे सारी गोल्ड की मार्केट है और मोस्टली इंडियन शॉप्स आपको मिल जाते हैं, इंडियन एथनिक वेयर एंड वॉट एवर यू वांट फॉर लाइक इंडियन रेस्टोरेंट, एवरीथिंग मिल जाता है। सो मुझे करनी थी गोल्ड की शॉपिंग, मेरा गोल्ड शॉपिंग जो है मेरा गिफ्ट एनिवर्सरी का पेंडिंग था, तो मैंने सोचा था जब मैं दुबई जाऊंगी वहीं से लूंगी, क्योंकि यहाँ पे गोल्ड लेकर शॉप्स का कहाँ पे कलेक्शन कैसा होता है एक्सपीरियंस है आबू धाबी का पता नहीं चल रहा। वहाँ से एक बार लिया था तो मुझे कुछ कलेक्शन इतना अच्छा नहीं लगा था, तो मैंने सोचा था कि जब मैं दुबई जाऊंगी तभी लूंगी। तो अभी मैं आ गई हूँ, बहुत सारे शॉप्स हम लोग ऑलरेडी चक्कर काट चुके हैं, आई थिंक 8 to 9 शॉप जाने के बाद हम कल्याण ज्वेल्स
ज्वेलर्स से हमने जो है अपनी शॉपिंग की। तो चलिए देखते हैं कि मैं क्या लेने के लिए आई हूँ। तो मुझे एक्चुअली एंटीक गोल्ड के बैंगल्स लेने थे, तो ये दोनों मुझे पसंद आए थे और ये मैं चेक कर रही थी कि कैसे लग रहे हैं। सो थे तो बहुत ही ब्यूटीफुल, बट मुझे कुछ और डिफरेंट चाहिए था, तो उसके लिए हम चेक कर रहे हैं। और फाइनली मैंने ले लिया है, बट उसकी वीडियो मैंने बनाई नहीं, मैं भूल गई। और यहाँ पे देखिए इतने प्यारे प्यारे जो है एंटीक टेम्पल जो सेट होते हैं उसकी, मतलब यहाँ जाओ तो ना आने का मन ही नहीं करता। इतने ब्यूटीफुल एक से एक डिज़ाइन होती है कि बस देखते रहो, सपने देखते रहो कि नेक्स्ट टाइम ये लूँगी, नेक्स्ट टाइम वो लूँगी। बट 2 साल के बाद अभी मेरी गोल्ड की शॉपिंग हो रही है, तो मैं बहुत एक्साइटेड थी। और जो मुझे पसंद आया था वो मैंने ले लिया है, फिर कभी आपको दिखा दूंगी। तो चलिए गोल्ड शॉपिंग तो हो गई हमारे फिनिश। सो शॉपिंग करते करते भूख लग गई, तो हमने बोला कि डोसा खाया जाए क्योंकि बहुत लेट हो चुका था, 3 o'clock। सो मैंने मंगाया अपने लिए पाव भाजी डोसा, जो बहुत बहुत यमी था। और इन्होंने अपना नॉर्मल डोसा, मसाला डोसा, बट मेरा डोसा सुपर यमी था, तो बहुत इंजॉय किया। अब चलिए हो गया है घर चलने का टाइम, चलते हैं। बच्चों ऑगी को छोड़ कर आए हैं घर पे, तो ऑगी और कुकू एक ही है, मैं कभी कुकू बोल देती हूँ कभी ऑगी बोल देती हूँ, तो दोनों सेम। तो बड़ दुबई से हमारी शॉपिंग हो गई है फिनिश, अभी हम जा रहे हैं सीधा घर, रेम राम। और कुकू तो बढ़िया खेल के मज़े कर रहा होगा, जाके देखते हैं क्या करता है। फिर शाम को कहीं और भी जाना है, तो हम दुबई आए हैं, ऐसा लग रहा है इंडिया से दुबई आए हैं और घूम रहे हैं यहाँ पर। पहली बार दुबई आए हैं ऐसे लग रहा है, वही वाली फीलिंग आ रही है। तो चलिए घर चलते हैं। कहाँ जा रहे हैं, जाओ इन लोग को उधर जाने दो। सो शॉपिंग से आने के बाद हम जा रहे हैं डिनर के लिए। हमारे जो फ्रेंड है जिनसे मिलने गए थे, आपने वीडियो में देखा होगा, हार्दिक के यहाँ पर उन्होंने डिनर पे इनवाइट किया है। सो ब्यूटीफुल कम्युनिटी है यहाँ पर, मतलब भीमराव इतनी ब्यूटीफुल कम्युनिटी है यहाँ पर, जगह भी और इतना अच्छा लगता है। सो हम फाइनली पहुँच गए हैं उनके घर पे और बहुत मज़ा आने वाला है, देखते हैं कि क्या क्या करते हैं और क्या क्या खाते हैं। सो लेट्स गो इनसाइड। कल से मुसीबत में आज पता क्या आपको कह रहा था, गीता हैज गिवन मी अ गिफ्ट फॉर सो मेनी। अभी आज के सुबह खा रहा है, ये देखो आपके लिए क्या लाई है। What Hardik is eating? हाँ आंटी ले रही, नाइस। इसको देखो, मैं तो प्लेट बाहर अंदर ही रखा है, लाती हूँ रुको। स्नैक वगैरह ले लिया है बच्चों ने सबने, और अब हो रहा है गेम खेलने का टाइम। सो जो ये फ्रेंड्स हैं हमारे, वो मतलब इतनी ज़्यादा मतलब इनोवेटिव और इंटरेस्टिंग गेम्स हमेशा लेकर आते हैं और खिलवाते हैं, बहुत मज़ा आता है। सो हार्दिक के बर्थडे पे भी इन्होंने बहुत सारे गेम खिलवाए थे जो बहुत इंटरेस्टिंग थे, हमारे लिए बहुत न्यू थे और खेल के बहुत मज़ा आया था। तो अभी हम भी ये गेम्स खेल रहे हैं। तो हमको वो पढ़ कर सॉन्ग आइडेंटिफाई करना है, उसका पूरा ग्राफ राफ ये सब बना हुआ है। सो इनको बनाना, इनको करना बहुत मुश्किल होता है, बट दे आर लाइक वेरी गुड इन दिस, बहुत 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 अच्छा करते हैं ये सब। सो चलिए हम भी इंजॉय करते हैं, गेम खेलते हैं। को देखा तो
मैं लड़की को देख के कैसे काम करूं, बेस्ट तो कर दिया ना गाना कौन सा। ठीक है आंटी जी, सब पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, बड़ा मुश्किल लग रहा है। नो क्या खा रहे हो? गो यू डन। सबको करो गुड बॉय। बेटा ये एक ही देखा सारे, बाकी नहीं दिखे थे। नो गिव मी ब्लेसिंग्स। गॉड ब्लेस यू प्रीति आंटी और अंजिता आंटी। गुड बॉय। बहुत एंजॉय किया, बहुत सारा अच्छा अच्छा यमी यमी खाना खाया, डिजर्ट खाया और गेम्स खेला। और देखो ये हमारे संस्कारी बच्चे विदेश में रहकर भी अपने संस्कार नहीं भूलते हैं, क्योंकि पेरेंट्स उनको सिखाते हैं। सो देखिए इतना छोटू सा मेरा क्यूट सा हार्दिक है जो सबके पैर छू रहा है, सबकी ब्लेसिंग ले रहा है। सुपर क्यूट है ये, बहुत मज़ा आता है इसके साथ टाइम स्पेंड करके। सो दुबई आने का सब बहुत सारे रीज़न थे बड़े बड़े, उनमें से एक रीज़न ये भी था कि हार्दिक से मिलना था, तो फाइनली उससे मिले, बहुत मज़ा आया। वो मेरे पैर छू रहा है, वो गॉड अजीब लगता है जब छोटे बच्चे आपके पैर छूते हैं, बट इनको सिखाना भी ज़रूरी होता है, इसलिए कभी कभी करें तो अच्छा भी लगता है। तो चलिए फिर हम अभी घर चलते हैं और आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, गुड नाइट, बाय बाय। नाउ से हार्दिक बाय बाय।